रीवा नगर निगम MIC हाल में शहर सरकार के MIC की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न निर्णय लिए गए। निर्णयों के संबंध में बताया गया कि नगर पालिक निगम रीवा में वर्तमान समय में निगम निधि की राशि से समस्त विकास कार्य चरणबद्ध तरीके से कराए जा रहे हैं। यह एक अच्छी परंपरा है। जनहित में सभी प्रकार के कार्य समय से कराया जाना अधिकारी कर्मचारी सुनिश्चित करें। वार्डों में विकास कार्य किए जाने के लिए सांसद, विधायक, पार्षद एवं वार्ड की जनता के माध्यम से मांग पत्र एवं सुझाव पत्र भी आते हैं, जिनका संकलन समय रहते किया जाए तथा उन पर सार्थक समाधान कारक कार्यवाही भी अमल में लाई जाए। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 में बनाए गए नियमों का पालन हो। चौराहटा तालाब के सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट तैयार करने वर्तमान में कर्मकांड के लिए स्थान निश्चित नहीं है। हिंदू धर्म में कर्मकांड एक महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। शहर के वार्ड क्रमांक 27, 38, 39, 40, 42 के लोगों के लिए पूर्व में रानी तालाब में पीपल के पेड़ के पास की व्यवस्था थी। उसके पास पीपल के पेड़ पर कर्मकांड कराने की व्यवस्था की गई है। MIC की बैठक के संबंध में चर्चा करते हुए अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि नगर निगम के द्वारा जो लीज दी गई है उनका नवीनीकरण नहीं हुआ है। ऐसे कई निर्णय लिए गए हैं जो जनहितैषी हैं। आइए आपको सुनाते हैं अजय मिश्रा बाबा ने ली गई बैठक के निर्णयों के संबंध में क्या जानकारी दी है। यह आज MIC की बैठक थी, उसमें जो MIC के विषय थे वो थे नगर पालिक निगम रीवा के स्वामित्व के पूर्व नगर सुधार न्यास रीवा द्वारा निर्मित व लीज पर आवंटित अचल संपत्तियों के लीज नवीनीकरण का अनुमोदन। जो हम लोग लीज में मकान वकान देते हैं उनकी लीज का नवीनीकरण होता है उसका था। योजना क्रमांक 7 यात्रा नगर के भूखंडों का था, जो भूखंड ले लिया लोगों ने, 7 भूखंड हैं, उसकी किस्त नहीं जमा किया, 7-7 नोटिस हो गई। यातायात नगर में जो दुकानें बनी हैं उसमें से दुकानों में से 4 दुकानों का प्रीमियम नहीं आया है और लगातार उनको नोटिस हो रही उसका था। प्रधानमंत्री आवास के जो MIG थे उस पर एक शासन की गाइडलाइन आई है कि उनकी 1% के हिसाब से पर मंथ किस्त लगाई जाए, वो ब्याज लगाई जाए। हमारे यहाँ 18% है तो MIG के लिए ये हो गया है कि भाई 12% सालाना की दर पे इनको ब्याज पे दे दिया जाए। तो ये 4 बिंदु हमारे एजेंडे के थे। बाकी एजेंडे से बाहर हम लोगों ने कुछ प्रस्ताव दिए, जैसे इको पैटर्न पार्क हो गया अपना, और इको पैटर्न पार्क 2019 में निरस्त हो गया था, पुनः उसको बनाया जा रहा है। उसका जब पुल बना है, झूला पुल, एक बार बह गया था, दोबारा कंक्रीट का पिलर बनाकर पुल बनाया गया। हमने ये पूछा कि भाई कल के डेट पे अभी गुजरात में एक बड़ा हादसा हो गया, लोग ख़त्म हो गए, कल अगर ऐसी कोई घटना आती है वहाँ पर फॉल है, झरना है, लोग खड़े होकर देखेंगे, सपोज करो कि किस एजेंसी के द्वारा उसका फिटनेस का प्रमाण पत्र दिया गया है कि ये पुल की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। ये प्रश्न उठा कि ये नगर निगम सीमा क्षेत्र में हो रहा है। दूसरा, जो वहाँ पर भवन बन रहे हैं उसकी मंजूरी के बारे में बताया गया कि भाई आपने मंजूरी कब दिया। NGTV ग्रीन टूनल का जो निर्देश है वो ये है कि 30 मीटर से 50 मीटर तक आप तो उस पर कोई भी काम नहीं कर सकते, तो नदी से लगा हुआ एरिया है। तो ये एक ये विषय था। दूसरा, पैच वर्क का कुछ मामला था, जल प्रदाय के संबंध में मामला था, चौराहटा तालाब के जो एक रानी तालाब सौंदर्यीकरण का था, अवैध कॉलोनियाँ जो हमारे यहाँ लगातार कट रही हैं उसको रोकें और उसको कॉलोनाइजरों को ये निर्देशित करें कि आप वैधिक प्रतिक्रिया की तरह से काम करिए, रेगुलराइज कराइए कॉलोनियों को, परमिशन लीजिए, तभी आप उसको प्लाटों को बनाकर बेचिए। और एक आज ये भी निर्देश जारी किया गया है कि नगर के विकास कार्यों के भूमि पूजन लोकार्पण के संबंध में कोई भी निर्धारित प्रक्रिया नहीं होने के कारण यहाँ पर अपने मन से जो भर्रेशाही चल रही है उस पर अंकुश लगाया जाए। और अब भूमि पूजन की जो प्रक्रिया होगी वो कार्य आदेश जारी होने के बाद होगी,
और आधिकारिक रूप से होगी। आयुक्त को इसका निर्देश दिया गया है कि आप इसको प्रशासनिक ढंग से करेंगे, 5 दिवस पूर्व संबंधित लोगों को सूचित किया जाएगा। महापौर के मुख्य अतिथि में 45 वार्डों के भूमि पूजन होंगे। नगर निगम 1956 के अधिनियम में महापौर, मेयर इन काउंसिल और आयुक्त को ही सारी शक्तियां हैं, बाकी किसी को कोई शक्तियां नहीं हैं। ये विधिवत सबको जानकारी है, और इसकी जानकारी जिसको नहीं है उसको एक्ट का अध्ययन भी कर लेना चाहिए। 5 दिवस के पूर्व जब ये सूचना दे देंगे, उसके बाद जोन प्रभारी संबंधित वार्ड के पार्षद को बताएंगे। और विधिवत सादे समारोह, 1 नारियल अगरबत्ती बिना टेंट पंडाल के जो प्रक्रिया हम लोगों ने चालू की है कि ठेकेदार के ऊपर अतिरिक्त भार न पड़े, काम गुणवत्ता विहीन न हो और जनता के सुविधा का काम हो, तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत इसका पालन किया जाए, ऐसा निर्देश MIC के द्वारा दे दिया गया है।